सीतामढ़ी से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर रघुनाथ कुमार ने किया नामांकन दाखिल। सीतामढ़ी जिला समाहरण न्यायालय में जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों का उल्लेख करते हुए सीतामढ़ी जिलावासियों से चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप पे वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि जीतने के पश्चात होगा कि बीमार सीतामढ़ी को खुशहाल सीतामढ़ी बनाने की प्राथमिकता होगी। डॉक्टर रघुनाथ कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हम लोग सीतामढ़ी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। ये हालात हमको इसलिए आना पड़ा रोड पे कि आज आप देख रहे हैं मेरा जो स्कूलिंग हुआ है गांव से हुआ है, कभी हम लोग ने सरकारी प्राइवेट स्कूल नहीं देखे। हम गांव के वो सब काम किए जो आज गांव के लोग करते हैं। जब लेकिन जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं आज उस स्कूल का बिल्डिंग तो बढ़ गए हैं लेकिन वहाँ से पढ़ाई गायब हो गई। वही हालत जो आप अस्पताल का देखेगा तो अस्पताल में करोड़ों का खर्च हो रहा है लेकिन वहाँ से इलाज गायब हो गया। वही हालत आप किसान का देखिए, किसान का हालत इतना बद से बदतर है जो अगर धान आप जा लेते हैं और बेचने जाइएगा तो सरकार कहेगी 1750 खरीदते हैं लेकिन जब बेचने जाइएगा तो 1100 किलो खरीदने के लिए। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो आज तक इस पर कभी चर्चा ही नहीं करते, कभी ये कहते नहीं। कारण इस काम को ये लगा कि हम लोगों ने कभी चुनाव देते हैं कभी हम लोगों ने कभी सीता इस मुद्दा के लिए दिए ही नहीं। हम लोग जो चुनाव देते हैं दल के लिए देते हैं, कभी पार्टी के लिए, कभी धर्म के लिए, कभी जो है जात के लिए देते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि धर्म जात और पार्टी तो जीत गया लेकिन मेरा सीतामढ़ी हार गया। और इस पर कोई चर्चा करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। हमको लगा कि जब दिल्ली के लोग कर सकते हैं तो सीतामढ़ी के लोग क्यों नहीं, सीतामढ़ी का स्कूल क्यों अच्छा नहीं हो, फिर से जो हमारे जैसे लोग फिर से डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने, क्यों नहीं हमारे गरीब भाइयों का जो हमारे समुदाय के लोग हैं जो क्यों नहीं उसका इलाज जो है सरकारी अस्पताल में हमारे अस्पताल से अच्छा हो, ये सपना लेकर के हम लोगों ने आया है। अगर लगता है कि सीतामढ़ी को लोगों को लगे कि नहीं ये सपना सही है तो हम मेरा साथ दें और झाड़ू छाप पे मोहर लगाकर उसे विजय बना दें, यही मेरा सपना है।